हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एक वायरल हो रहे ऐसे मैसेज के बारे में जो काफ़ी इधर उधर शेयर किया जा रहा है। लोग उस पर इतना कंफ्यूज हो गए हैं इस मैसेज को देखने के बाद कि उन्हें लगने लगा है कि ये शायद सच है। जिस मैसेज में दिया गया है, ये एक इमेज है, इसमें आप लोग देख सकते हैं 12वीं तक विद्यालय किया जाए बंद, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है। जैसे कि इसमें इमेज में योगी आदित्यनाथ जी का फोटो है। नीचे दिया गया है कि संक्रमण से 70 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि यूपी में 1 से 12 तक स्कूल बंद कर दिए जाएं। तो बात करेंगे इस इमेज के बारे में कि क्या ये मैसेज वाकई में रियल है या फिर ये फेक है। आपको बता दें कि अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐसा कोई भी ऑर्डर होता है, तो उसमें मैसेज को इधर से उधर वायरल करने की नीड नहीं है। आप अगर उसे वो वाकई में रियल है तो आपको न्यूज़ पे दिखाई देगा। और इतना बड़ा कोई ऑर्डर अगर हाई कोर्ट ऑर्डर देता है, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मैसेज के थ्रू इधर उधर वायरल होकर या शेयर होकर रह जाएगा। वो आपको न्यूज़ चैनल्स में हर एक टीवी पे आपको बार बार दिखाई देगा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी जो कि आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। जी हाँ, क्योंकि ये जो मैसेज है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एक फेक मैसेज है। तो आप इस पे विश्वास ना करें। इसकी वजह से काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि शायद बंद हो गए हैं हमारे स्कूल्स, फिर से वही सब ऑनलाइन वाला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे ऑफलाइन जाना चाहते हैं स्कूल में क्लासेस के लिए, वो अपना स्कूल्स कंटिन्यू रखें, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑर्डर हाईकोर्ट ने अभी तक नहीं दिया है और ना ही अभी इतनी जल्दी आने वाला है। बात करें तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि फिरोजाबाद में जो डीएम था, डीएम के ऑर्डर पे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं 6 सितंबर तक, जो कि 1 तारीख से प्राइमरी स्कूल्स भी वहाँ पे ओपन होने वाले थे, उनको भी अब 1st to 8th क्लास तक बंद कर दिया गया है। 6 सितंबर से वो खुलने वाले हैं। तो उसके बारे में हम एक चीज़ देख लेते हैं कि वो खुलेंगे अभी आगे क्यों, क्योंकि एक वायरल फीवर की वजह से वहाँ पे बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे थे, संक्रमण में आ रहे थे, और वहाँ पे हॉस्पिटल्स में भी बेड खाली नहीं मिल रहे थे। उस वजह से वहाँ पे सीरियस कंडीशन देखते हुए बच्चों के फीवर को लेके वहाँ पे डीएम ने ऑर्डर किया था, ना कि ऐसा कोई भी ऑर्डर है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि बंद किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक फिरोजाबाद की ही न्यूज़ है, उससे आगे वो कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है। बाकी यूपी में कंटिन्यू जैसे स्कूल्स चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, क्योंकि आप लोग भी देख सकते हैं बच्चों इस चीज़ को कि हम लंबे टाइम तक ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसीजर जो है उसको नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि सिटीज़ में और जो अच्छे स्कूल्स हैं वो तो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा पा रहे हैं। लेकिन जो ऑफलाइन हम बात करें क्लासेस के बारे में, तो ऑफलाइन में जो इंट्रैक्शन होता है टीचर का और स्टूडेंट का, वो ऑनलाइन टीचिंग में नहीं मिल पा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस में वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। सेकेंड टाइम हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं आपके स्कूल्स के बारे में जो कि विलेज साइड में है, यानी कि गांव के एरियाज़ में जो स्कूल बने हुए हैं, गांव के जो बच्चे हैं उन वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। स्कूल वाले जो मैनेजमेंट है वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, और ना ही जो गांव के बच्चे हैं वो उसको क्लासेस को अटेंड करने में सक्षम हैं। इस वजह से वहाँ पे भी ऑफलाइन क्लासेस चलना बहुत ज़रूरी है। बाकी आगे बात करेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है कि क्लासेस बंद कर दी जाती हैं यूपी में, और भी अगर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है, तो हम आपको ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे और आपको उससे अवगत कराएंगे। चलो आगे बात करते हैं। डरने की बात इसलिए भी है क्योंकि कुछ हमारे जो हैं स्टेट हैं हमारे देश में, उसमें क्या हो रहा है, कई जगहों पे कोरोना के जो हमारे केसेस हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जो प्रिकॉशंस हैं कुछ जो आपको बरतनी हैं, जैसा कि आप करते आ रहे थे वो चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है। बच्चे स्कूल्स जा रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको फॉलो करना है रूल्स को, जो कोरोना गाइडलाइंस हैं आपको उन्हें फॉलो करना है। आपको प्रॉपर मास्क लगा के रखना है, आपको प्रॉपर जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखना है। वैसे स्कूल मैनेजमेंट इस चीज़ का ध्यान रख ही रहा है, तो आपको बार बार हैंड्स को सैनिटाइज करते रहना है, हाइजीन रहना है, जो भी कोरोना गाइडलाइंस हैं उनको आपको फॉलो करना है। वैसे इसलिए थोड़े डरने की बात है क्योंकि बच्चों की जो वैक्सीन है वो अभी तक हमारे बीच नहीं आई है। हालांकि भारत की कंपनी है जो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, वो बच्चों की वैक्सीन बना रही है, उसका ट्रायल चल रहा है अभी, 3 वैक्सीन का ट्रायल जारी कर दिया गया है। तो हो सकता है जल्दी ही वो हमारे बीच वैक्सीन आएगी और बच्चे भी सेफ हो जाएंगे। तब तक के लिए आपको प्रॉपर सावधानी बरतनी है, आपको अवेयर रहना है। जैसे
18 प्लस वाले जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है उनमें भी हमारे उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 8.18 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है, तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी बच्चों की वैक्सीन भी बहुत जल्दी हमारे बीच में होगी जिससे कि हमारे बच्चे भी सेफ हो सकेंगे। तो आशा करती हूँ वीडियो नॉलेजफुल रहेगी और ऐसे मैसेजेस पे आप ऐसे भरोसा नहीं कर लिया करें जो भी इधर उधर व्हाट्सएप पे या आपके अदर जो मीडिया सोर्सेज हैं उन पे इधर उधर वायरल होता है उस पे ऐसे आप लोग बिलीव ना किया करें और ये ना सोच के बैठे हैं आपके स्कूल्स बंद हो गए हैं, हाईकोर्ट का ऑर्डर हो गया। ऐसा कुछ भी अभी नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी ऑर्डर अभी पास नहीं हुआ है। तो आप लोग अपने बच्चों को कंटिन्यू भेजते रहें स्कूल्स और उनको पढ़ने दें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही थी वो जो बच्चे घर से ले रहे हैं वो ले ही रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस को, बाकी ऑफलाइन भी जाना स्टार्ट हो गया है। बच्चे काफ़ी समझदार हैं, खुद से भी अवेयर रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।